तो दोस्तों ये रही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट, और इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कल 10 अक्टूबर को 2021 TQ1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरने वाला है। देखते हैं इसके ऑर्बिट पीरियड को। तो चलिए देखते हैं इस एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट पीरियड को और ये हमारी धरती के लिए खतरा है या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं 2021 TQ1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के आखिर कितने करीब से गुजरने वाला है। 10 अक्टूबर को यह कल 10 अक्टूबर को हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा। ये हमारा सौर मंडल है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे ब्लू कलर का जो लाइन है हमारी धरती का ऑर्बिट पीरियड है, और ये व्हाइट कलर की लाइन 2021 TQ1 नाम का एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट पीरियड है। और ये आपस में किस तरह से आगे बढ़ते हुए इस एक जगह पर दोनों के ऑर्बिट पीरियड क्रॉस होंगे। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, शाम को 7:58 पर ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट को क्रॉस करेंगे, और वो पल होगा जब ये दोनों बिल्कुल कम दूरी पर, कम डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑर्बिट पीरियड को क्रॉस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर लगभग 536 फीट है, और दोस्तों इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार की बात करें तो 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस अंतरिक्ष में घूम रहा है। और ये हमारी धरती से कितनी दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा, इस एस्ट्रॉइड और हमारी धरती के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1,20,000 किलोमीटर दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। शाम को 7:19 पर ये उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 1,20,000 किलोमीटर दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी धरती से कितना दूर है, देख सकते हैं इस मैप में, इस एंगल से आप देख सकते हो कि हमारी धरती से कितनी दूरी से गुजर सकता है। दोस्तों इसी के साथ 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एस्ट्रॉइड इस अंतरिक्ष में घूम रहा है। ऐसे लाखों एस्ट्रॉइड, करोड़ों एस्ट्रॉइड मौजूद है इस अंतरिक्ष में, जो हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमने वाले एस्ट्रॉइड भी हैं। दोस्तों ये समय समय पर एस्ट्रॉइड हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, इस वजह से हमारी धरती पर खतरा बना रहता है, इनके हमारी धरती के साथ टकराने का खतरा बना रहता है। दोस्तों एस्ट्रॉइड से जुड़ी अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि धरती की तरफ आने वाले खतरे से सीधे सीधे अपडेट रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।